उनकी सोच विघटनवादी थी, उनकी सोच तोड़ने वाली थी, उनकी सोच विनाश करने वाली थी। हमारी सोच विकास की है, राष्ट्रवाद की है, सबको साथ लेकर के चलने की है। और ये सोच टिकट वितरण की सूची में भी देखने को मिल रहा है। आप एक बार सभी दलों की प्रत्याशियों की सूची देख लीजिए, पहली दो सूची जो निकली होगी उसको देख लीजिए, पता लग जाएगा ये लोग प्रदेश के बारे में इनका विजन क्या है, इनका एजेंडा क्या है। हमारी सोच उत्तर प्रदेश को देश की नंबर एक की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए है, जिससे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके। उनकी सोच स्वयं के विकास की है और इसके लिए वे लोग दंगों की आग में प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। केराना में हिंदू व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति को टिकट देते हैं। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, बुलंदसर के दंगाइयों को, मेरठ के उपद्रवियों को वे लोग टिकट देते हैं। तालिबान का समर्थन करने वाले लोगों को मुरादाबाद में टिकट देते हैं, अमरोहा और संबल में प्रत्याशी बनाते हैं। ये कैसी सोच लेकर के आ रहे हैं? और उसके बाद बड़ी बड़ी डींगे हांकते हैं, कहते हैं सरकार बनाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे तुम तो जब सरकार थी तब क्या कर रहे थे? तब तो अंधेरे में रखते थे पूरे प्रदेश को। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या बिजली मिलती थी? तो आज कैसे कहते हैं वे, क्योंकि हम कैसे कहते हैं कि सरकार आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, जब बिजली नहीं देंगे तो फ्री कहां से? आप जनता को बताइए इनके लिए। ऐसा तो नहीं है कि इनको मौका ना मिला हो, जब मौका मिला था तब क्या कर रहे थे? भाइयों बहनों, इन सभी असलियत को बता देने की आवश्यकता है जनता जनार्दन को। फर्क साफ है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस समय के मुख्यमंत्री और वहां के उस समय के मंत्रीगण पहले अपना बंगला बनाते थे। हमारी सरकार बनी, हमने 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया। लागू किया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उसने प्रदेश में लागू नहीं होने दिया। हमारी सरकार बनी, 2,61,00,000 गरीबों के लिए एक एक शौचालय बनाने का काम किया गया। वे अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, हमने 1,21,000 मजदूरों तक बिजली पहुंचा करके 1,43,00,000 गरीबों को फ्री में बिजली भी उपलब्ध करवाई। 1,56,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन भी दिए। 1,00,00,000 वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांगजनों को 1,000 रुपए हर महीने पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध करवा रहे हैं, यानी 12,000 रुपए सालाना। 2,54,00,000 लोगों को 6,000 रुपए सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दे रहे हैं। 15,00,00,000 गरीबों को फ्री में राशन भी दे रहे हैं। हमने तो जो कहा सो करके दिखाया, हमने जितना कहा था उतना भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा, जो कहा सो करके दिखाया। भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा सपा गायब थी, बसपा का कहीं अता पता नहीं था, कांग्रेस के भाई बहन भी नदारद थे। केंद्र सरकार देश की चिंता कर रही थी, प्रदेश सरकार प्रदेश की चिंता कर रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा ही संगठन है मंत्र मान करके एक एक व्यक्ति के जीवन और जीविका को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। जब संकट का साथी भारतीय जनता पार्टी है तो वोट लेने का अधिकारी भी तो भारतीय जनता पार्टी ही होगी। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आया हूं,
देखिए हमारी सरकार को मौका मिला, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त माना जाता था, वहां ट्रेन में पानी पहुंचाया जाता था, ट्रेन की बोगियों में पानी जाता था। हमारी सरकार आई, ट्रेन चलाने की नौबत नहीं आई। आज हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत बुंदेलखंड के हर घर में पानी पहुंचाने की कार्रवाई सफल कर दी। 7 जनपद है बुंदेलखंड में, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट। इस 7 जनपदों के हर घर में पाइपलाइन, पाइप से जल, जो कभी एक कल्पना थी वह हमने पूरी कर दी। हर खेत को पानी मिल रहा है। वर्षों से लंबित योजना, हमने एक योजना पूरी की 18 में, बाण सागर परियोजना। कब बनी थी, कब प्रारंभ हुई थी मालूम है? स्वर्गीय मुरारजी देसाई जी ने उसका शिलान्यास किया था। मुरारजी देसाई जी ने, और पूरी नहीं होती थी। हमने एक साल में पूरी की। 2.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा दी। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी से हमने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण करवाया। ये परियोजना कब बनी थी मालूम है? जब मेरा जन्म हुआ था 1972 में। उस समय इस योजना के लिए सरकार ने सहमति दी थी और कभी पूरी नहीं हो पाई। इसमें बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, ये 9 जनपद सिंचाई की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। 16 लाख हेक्टेयर लैंड को पानी मिलना है, पूरी नहीं होती थी। 5 नदियों को हमने जोड़ा, घाघरा को सरयू से, सरयू को राप्ती से, राप्ती को बाणगंगा से, बाणगंगा को रोहिन से, और फिर आपस में नदियों को जोड़ करके सदैव अटल जी की सपने को साकार करते हुए 16 लाख हेक्टेयर लैंड को पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई। आप सोचे क्या कर रहे थे लोग बुंदेलखंड में? अर्जुन सहायक परियोजना, बंडई परियोजना जैसी एक दर्जन से अधिक परियोजनाओं को हमने पूरा किया। ये लोग कभी पूरा नहीं करते थे, विकास इनकी सोच में था ही नहीं। विकास का मतलब एक सिफाई परिवार के विकास से मान लिया जाता था, विकास का मतलब किसी एक परिवार के विकास से मान लिया जाता था, सत्ता का मतलब गरीबों का, व्यापारियों का, कमजोर लोगों का, संभ्रांत लोगों का शोषण इनके लिए, सत्ता इसके लिए थी। सत्ता हमारे लिए सेवा का एक माध्यम है, और ये सेवा जनता जनार्दन की सेवा, प्रदेश की सेवा, देश की सेवा का एक माध्यम है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक क्यों, इसीलिए आज मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, क्योंकि आप प्रबुद्ध जन है, अपने समाज में पकड़ रखते हैं, अलग अलग तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पर आकर के इसलिए नहीं कि यहां पर महंत नरेंद्र गिरी जी आएंगे मंच में बैठेंगे, इसलिए महंत नरेंद्र गिरी जी, इसके बाद गाजियाबाद के सभी संतों को दुग्धेश्वरनाथ मंदिर में बुला करके उन्हें इस बारे में कहेंगे, आप भी जाइए घर घर जाकर के भाजपा की अलख जगाइए। यहां पे इसलिए बुलाया गया है, अलग व्यापार मंडल के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठ करके हर व्यापारी से अनुरोध करेंगे कि बड़ी रैली नहीं हो सकती, कोरोना कालखंड में भीड़ भाड़ के साथ हम प्रचार के लिए नहीं निकल सकते, एक एक व्यक्ति की छोटी छोटी मीटिंगें करके हर एक तबके को अपने अपने जाल फैलाना पड़ेगा और उस अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबको यही कहने के लिए आया हूं, जल जीवन मिशन में हर घर तक नल पहुंचाना, पानी पहुंचाना, ये गाजियाबाद में भी होना है। सीवर लाइन हर एक जगह पहुंचानी है, नदियों को अविरल और निर्मल बनाना है, स्वच्छता के संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करके प्रत्येक परिवार की बीमारी का खर्चा को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके
उसे फ्री में उपचार की सुविधा भी उपलब्ध करवा देनी है और इस दिशा से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर आवश्यक है। आज भारत माता के महान सपूत आजाद हिंद फौज के संस्थापक राष्ट्रनायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती है। मैं आप सभी को इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा भारत की स्वाधीनता में किए गए योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन भी करता हूं। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के राष्ट्र नायकों को सम्मान किस रूप में दिया जाना चाहिए। दिल्ली में इंडिया गेट के पास वार मेमोरियल, इस बात को सदैव हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करता है भारत के अपने बहादुर सैनिकों के प्रति, जिन्होंने किसी भी युद्ध में, युद्ध के समय या शांति काल में, देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। उन सभी सैनिकों के नाम उस पट्टिका में अंकित करते हुए आज मुझे लगता है हर भारतीय को अपने सैनिकों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, उनके शौर्य पराक्रम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना चाहिए। और आप तो गाजियाबाद वाले वैसे भी सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर तो भारतीय सेना के जनरल स्वयं लोकसभा में आपका प्रतिनिधित्व करते हैं और आप यहां का विकास भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, उन सभी महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने की दिशा आपने देखा होगा 26 नवंबर की तिथि, 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया था, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के पूरा हुआ था और संविधान सभा ने उस प्रारूप को संविधान सभा को सौंप करके भारत 26 नवंबर की तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा। हम केवल अधिकारों की बात न करें बल्कि कर्तव्यों की बात भी करें, यह प्रेरणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पवित्र 5 स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया जाना चाहिए और उसे पंच तीर्थ नाम दिया जाना चाहिए, यह प्रेरणा भी प्रधानमंत्री मोदी जी की। 31 अक्टूबर की तिथि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 563 रियासतों को एकजुट करके भारत गणराज्य को दुनिया के अंदर एक अजेय और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने के संकल्प के साथ आजाद भारत को आगे बढ़ाया था। 31 अक्टूबर उनकी पावन जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम सब मना सके, यह भी प्रेरणा प्रधानमंत्री मोदी जी की थी। और भाइयों बहनों, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के पास अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा का स्थापना हुई, यह भी प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र नायकों के प्रति सम्मान का यह भाव, यही तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हमने जो कहा सो करके दिखाया, वंशवादी, परिवारवादी और विकृत जातिवादी मानसिकता से जुड़े हुए लोग जब उन्हें सत्ता प्राप्त होती है तो वे क्या करते हैं और जब राष्ट्रवादी सोच के लोगों के हाथों में सत्ता आती तब वे क्या करते हैं, अगर फर्क देखना है तो आपको मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। भाइयों बहनों, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया था। प्रदेश में
प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मुझे पार्टी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, हमारी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहला निर्णय लिया अवैध बूचड़खानों को बंद करने का। बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करने का और 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का। देखिए, एक तो गौ माता की रक्षा से जुड़ा था, एक अन्नदाता किसानों के सम्मान का था और एक अपनी बेटियों की सुरक्षा से संबंधित था। समाजवादी पार्टी को जब 2012 में सत्ता मिली तो समाजवादी पार्टी ने पहला निर्णय लिया था श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। फर्क साफ है, उनको सत्ता मिली, उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया। पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। कोसी कला का दंगा, मुजफ्फरनगर का दंगा, मेरठ का दंगा, बुलंदशहर का दंगा, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां कोई छोटा बड़ा दंगा ना हुआ हो। और आस्था के साथ खिलवाड़ किस कदर, कावड़ यात्रा भी उन्होंने रोकी थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी बैन कर दिया था। पर्व और त्योहार के पहले दंगे हो जाते थे, लोग मुझसे पूछते थे कि कोरोना कालखंड में कैसे संभालेंगे। मैंने कहा कार्य हम करेंगे, मार्गदर्शन मोदी जी देंगे, एक एक कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए समर्पित होकर कार्य करेगा और ईश्वर की कृपा रहेगी, हम कोरोना को भी परास्त करेंगे और पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाएंगे। आपने दीपावली और विजयादशमी के कार्यक्रम को कोरोना कालखंड में शानदार तरीके से बनाया। मैं तुलजी से पूछ रहा था, मैंने कहा मार्केट के क्या हाल है, इन्होंने कहा बहुत अच्छी बिक्री हो रही है। मैंने कहा क्या मार्केट सब खुल गए, कारी भीड़ और नियंत्रित भीड़ हो रही है, स्वास्थ्य मंत्री भी, तो मैंने कहा आपका भी तो कोई दायित्व है। उन्होंने कहा जनता इतनी उत्साहित है, उन्हें मालूम है कि मोदी जी और योगी जी हैं तो कोरोना भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भाइयों बहनों, उनके समय में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में, बहुजन समाजवादी पार्टी की समय में कोरोना नहीं था लेकिन कर्फ्यू जरूर लग जाता था। हमारे समय में कोरोना है लेकिन कर्फ्यू नहीं लगता है, जनजीवन सामान्य है। थर्ड वेव चल रही है ना दुनिया में, अमेरिका में लॉकडाउन है, यूरोप में लॉकडाउन है, चीन में लॉकडाउन है, लेकिन यहां पे हमने किसी चीज को नहीं रोका है। रात्रि का कर्फ्यू थोड़ा लगाया है लेकिन दिन में किसी के आवागमन को नहीं रोका है। बच्चों के स्कूल कॉलेज इसलिए रोके, शीतलहरी भी है और टीकाकरण के कार्यक्रम को 100% लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, इसलिए इन कार्यक्रमों को हमने आगे बढ़ाया है। जीवन और जीविका को बचाने का कार्यक्रम कोरोना कालखंड में कितना बेहतरीन हुआ, 160 करोड़ लोगों को कोरोना को डोज भारत ने दे दिया है और भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बना हुआ कोविड टीका दुनिया का सबसे प्रभावी टीकों में से है, दुनिया में उसकी सबसे अधिक डिमांड है। और उत्तर प्रदेश में आज हम 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे देंगे, 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज। यानी ये है कोरोना मॉडल। भाइयों बहनों, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, यह है भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबके विकास का नारा।
हमने जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर शासन की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन हाँ तुष्टिकरण भी नहीं होने दिया। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाने दिए गए, लेकिन सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया गया। उनका जातिवादी सोच परिवार तक सीमित था, उनके विकास की सोच अपने स्वयं के परिवार के विकास की थी। हमारा राष्ट्रवादी सोच सबका साथ सबके विकास का है, सबको सुरक्षा, सबका सम्मान और आस्था को भी भरपूर सम्मान। आस्था को सम्मान किस कदर, आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कार्य पूरा हो गया है, आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है। पहले यहां हज हाउस बनता था, नियमों के अनदेखी करते हुए आज हज हाउस नहीं, आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है। योगी जी को जय श्री राम। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, जय श्री राम। फर्क साफ है, वे दंगाइयों को माफियाओं को अपराधियों को प्रश्रय देते थे तो दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, अराजकता फैलती थी, हर व्यक्ति असुरक्षित होता था। आज अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य कर रही है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण है, कावड़ यात्रा भी निकलती है, दीपावली दशहरा भी खुशी से साथ मनाए जाते हैं। और साथ ही साथ भाइयों बहनों पूरे प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों ने एक गति भी पकड़नी प्रारंभ की। आज गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने के लिए मेट्रो की सेवा, दिल्ली को गाजियाबाद मेरठ के बीच में रैपिड रेल और 12 लेन एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट और अब तो हम लोगों ने अतुल जी एक बार कह रहे थे कि मुझे मुंबई जाना है, मैंने कहा क्या काम है, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे एक कार्य है। मैंने कहा देखो अब मुंबई में एक बात के लोग मानते थे फिल्म सिटी के, फिल्म सिटी हम गाजियाबाद के बगल में ही है, फिल्म सिटी भी आपके गाजियाबाद के बगल में आ रही है, मेडिकल डिवाइस पार्क भी यहीं पे बनने जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में बन रही है, हिंडन का एयरपोर्ट चालू हो चुका है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने 1915 में जब देश गुलाम था उस दौरान गुलामी के कालखंड में अफगानिस्तान में जाकर के अंतरिम सरकार का गठन किया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए प्रॉपर्टी कहते उन्होंने दी, लेकिन उनके नाम का एक भी शिलापट वहां नहीं, हमने उन्हीं के नाम पर अलीगढ़ में एक नया विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई की। मां शाकंभरी के नाम पर सहारनपुर में विश्वविद्यालय के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। भाइयों बहनों आज विकास की एक नई आभा के साथ उत्तर प्रदेश देश की नंबर दो की अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी हो गई। पहले सरकार का विकास का विजन नहीं था, उनका अपना परिवार विकास करे यह उनके लिए महत्वपूर्ण था, युवाओं के लिए नौकरी निकलती है चाचा भतीजा और सुधी पे निकल पड़ते थे। हमने 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी दी और भाइयों बहनों 5,00,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी में कहीं कोई शिकायत नहीं, सुरक्षा का बेहतर वातावरण दिया, 1,61,00,000 नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एमएसएमई उद्योग को इतना हमने प्रमोट किया, 60 लाख लोगों को स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने में मदद मिल गई। हर एक क्षेत्र में प्रगति की है उत्तर प्रदेश ने 5 वर्षों में, फर्क साफ है। पहले दंगे होते थे, आज शांति और सौहार्द का माहौल है। पहले कर्फ्यू से जनजीवन अस्त व्यस्त होता था, आज इस सदी की सबसे बड़ी महामारी भी हमारा बाल बांका नहीं कर पा रही है। सब जीवन अनवरत चल रहा है, यही जीवन है। कोरोना होगा, अमेरिका का नुकसान पहुंचाएगा, हम उसके गाइडलाइन का पालन करेंगे, लेकिन कोरोना हमारा बाल बांका नहीं कर पाएगा।